टाउन लोकल गवर्नमेंट गुलशन इकबाल 13 यूसीज पर मुश्तमिल है और इसका रकबा 65 स्क्वायर किलोमीटर है। इस टाउन की कसरत आबादी पढ़ी लिखी और बाशऊर है, जबकि बेशतर आबादी शहरी और तकरीबन 20% आबादी देही कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। टाउन इंतजामिया ने नाजिम मोहम्मद वासिफ जलील की सरबराही में म्यूनसिपल सर्विसेज के 4 साल दौर में अवामी मसाइल के हल और गुलशन इकबाल टाउन को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए जामे मुख्तसर मुद्दत और तवील मुद्दत मंसूबों का आगाज किया। इन मंसूबों को बेहतरीन हिकमत अमली और तरजीहात को मद्देनजर रखकर मुकम्मल किया गया। हक परस्त क्यादत का कारनामा है कि इस क्यादत में कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे पर अमल पैरा होते हुए बिला तख़सीस रंग नस्ल और ज़बान मसलक मजहब और खिदमत को शार बनाकर अवाम को सहूलियात से आरास्ता किया। गुलशन इकबाल टाउन का हमेशा ये अज़्म रहा है कि वो अपनी अवाम को हर सहूलत मुहैया करे। आज गुलशन इकबाल टाउन की अवाम खूबसूरत पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, सफाई, सीवरेज और वाटर सप्लाई की सहूलियात से मुस्तफीद हो रही है। हक परस्त क्यादत ने कॉस्मेटिक रिवायत को तोड़कर शबरोज की अनथक मेहनत और मियार की नई रिवायत मुतारिफ कराई। यहाँ पर तरक्याती कामों को हर मरहले पर बैन अवी मियार को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल किया गया। हक परस्त क्यादत ने शहर कराची को ओन किया और इस शहर की तरक्की के लिए जो कारनामे अंजाम दिए उसकी मिसालें माजी में नहीं मिलती। गुलशन इकबाल टाउन में मैं समझता हूँ कि इन 4 सालों में सन 2005 17 अक्टूबर की तारीख को अगर हम देखें और आज हम तकरीबन नवंबर 2009 में दाखिल हो गए हैं, तो इन 4 सालों में जो गुलशन इकबाल टाउन में जो पूरा 4 साल का एक जो वक्त गुजरा है वो एक पूरी स्ट्रेटजी की बुनियाद पे हमने जो है उसको जो है वो कैरी अप किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक हमारी स्ट्रेटजी थी कि अपने गुलशन इकबाल टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करें, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हुआ है और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ लोगों को रिलीफ मिला है। और इन तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर कि जहाँ पर सीवरेज का मसला हो, पानी का मसला हो, लाइटों का मसला हो, रोड्स का मसला हो, मैं समझता हूँ कि हर सब्जेक्ट के ऊपर गुलशन इकबाल टाउन और उसकी पूरी इंतज़ामिया ने जो है हर सब्जेक्ट को एड्रेस किया है। यकीनन तरक्की जो है वो किसी एक दिन के पेस का नाम नहीं है, डेली बेसिस पे अगर ये तरक्की जो है वो चलती रहेगी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ जो है बेहतर होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर अगर हम पूरे 4 साल का अहाता करें तो गुलशन इकबाल टाउन में न सिर्फ बल्कि पूरे कराची में जो है मजमूई तौर पर जो है वो बेहतर जो है वो अंदाज में जो है काम हुआ है। आज कराची की जो है वो एक डिफरेंट शक्ल है जिसमें सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एक वर्क किया है। पूरा एक टीम वर्क है, एक डेडिकेशन है, एक कमिटमेंट है, उन तमाम सिंसेरिटी के साथ जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं आज इसका जो बेनिफिशरी एंड ऑफ द डे वो आम पब्लिक जो है उससे जो है वो इस्तेफादा जो है वो हासिल कर रही है। अब ओनरशिप का टाइम आ गया है, अब चीज़ों को ऑन करें, अपनी जो बनाई हुई जितनी भी सड़कें हैं उसको ऑन करें, पार्कों को ऑन करें, लाइटें लगी हैं तो उसको ऑन करें, सीवरेज की पानी की लाइनों को ऑन करें, कोई अगर इल्लीगल एक्टिविटी जो है वो अगर कर रहा है तो उसको जो है फौरी तौर पर जो है वो इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करें। सिटी नाजिम की तरफ से जो 1339 का जो सिस्टम जो दिया गया है उस पर फौरी तौर पर जो है वो हमें मुतला करें ताकि जो है वो फौरी तौर पर जो है इफेक्टिवली जो है उस पर जो है वो हम एक्शन ले सकें। आज अगर इस पूरे शहर कराची के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर जो तमाम काम हुए हैं एक पूरी कमिटमेंट के साथ काम किया गया है तो उसका सबसे बड़ा सेहरा अगर जाता है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन को जाता है। मैं समझता हूँ कि वो इन तमाम चीज़ों के जो हैं वो मुस्तहिक हैं इस पूरे क्रेडिट के कि आज जो है वो शहर जो है वो इन तमाम फैसिलिटीज़ से जो है वो एंजॉय कर रहा है। तो वी होप फॉर द बेस्ट कि यकीनन उनकी डायनेमिक लीडरशिप के अंदर इस शहर कराची में न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इंशाल्लाह चेंज आएगी। और ये चेंज जो है जो आज सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस पूरे मुल्क के अंदर जो लेके आई है, इस पूरे शहर के अंदर लेके आई है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट जो है वो ट्रेंड की है कि एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर अगर आप कमिटमेंट है, सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है तो आप तमाम चीज़ें जो है वो कर सकते हैं और इंशाल्लाह सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आगे तक लेके चलेगी।
کچھ نیپال ٹاؤن کے متعدد علاقوں میں نکاسی آب اہم مسئلہ تھا۔ ناصم کچھ نے اقبال نے منصب سنبھالنے کے بعد ترجیحی بنیادوں پر ہر روڈ کی تعمیر سے پہلے پانی اور سیوریج اور اسٹارم واٹر ڈرین کی تنصیب کو یقینی بنایا۔ گلشن اقبال ٹاؤن کی یونین کاؤنسل 1 اور 2 میں تین ہٹی حیدر علی روڈ سے شہید ملت سروس روڈ تک سیوریج کا نیا قابل ذکر پروجیکٹ مکمل کیا گیا، جس کے تحت UC 1 اور 2 کا سیوریج سسٹم جمشید ٹاؤن کے سیوریج سسٹم سے علیحدہ کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل پر 6 کروڑ روپے کی لاگت خرچ کر کے تقریباً 5 کلومیٹر تک لائن ڈالی گئی۔ گلشن اقبال ٹاؤن نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ٹاؤن کی حدود میں آنے والے مین ہولز پر ڈھکن موجود ہوں۔ گلشن اقبال ٹاؤن میں سیوریج سسٹم کی صورتحال کی طرح صاف پانی کی فراہمی بھی ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں کروڑوں روپے مالیت سے پانی کی لائنوں کا نیا سسٹم اور درستگی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پانی کی لیکیجز اور خراب پانی کی سپلائی جیسے مسائل کو حل کیا گیا۔ اس سلسلے میں بوسیدہ اور خستہ لائنوں کو نئی لائنوں سے تبدیل کر کے پائپ لائنوں کی مرمت کو بھی یقینی بنایا گیا۔ گلشن اقبال ٹاؤن نے گوٹھوں میں جہاں پانی کی سہولت میسر نہیں تھی پانی کی فراہمی یقینی بنائی اور یہاں پر پانی کی لائنوں کا نیا نظام بچھایا جس پر 5 کروڑ روپے لاگت آئی۔ گلشن اقبال ٹاؤن نے اپنے وسائل کے علاوہ سٹی گورنمنٹ، حق پرست اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور دیگر نجی اداروں کے تعاون سے بھی مختلف منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا گیا تاکہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ گلشن اقبال ٹاؤن کی خوبصورت اور سہولیات سے آراستہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں کی تعمیر و مرمت پر ٹاؤن اب تک کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کر چکا ہے۔ ان سڑکوں پر گرین بیلٹس، کیٹ آئز، لین مارکنگ، لائٹس، سگنلز، رہنمائی کے بورڈ نصب کیے گئے ہیں۔ گلشن اقبال ٹاؤن میں تقریباً 22,000 اسٹریٹ لائٹس نصب ہیں اور تقریباً 70% مرکری لائٹوں کو سوڈیم لائٹوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 4 سال میں محکمہ MNE نے 9,07,00,000 روپے کی خطیر رقم لائٹوں کی تنصیب و مرمت پر خرچ کی گئی۔ گلشن اقبال ٹاؤن کے تمام پارکوں میں روشنی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس شعبے کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے اور عوام کو بہترین سہولت فراہم کرنے کی غرض سے 2 الیکٹرک وین 14,00,000 روپے کی لاگت سے خریدی گئیں اور 1 عدد اسکائی لفٹ 14,00,000 روپے کی لاگت سے بنوائی گئی۔ ایمرجنسی کام کے لیے 2 سزوکیاں، 2 نئے ہینو ٹرک اور 2 عدد گاربیج لفٹنگ کے لیے لوڈرز بھی لیے گئے ہیں۔